नमस्कार दर्शकों, मैं अमिता, अमितास किचन, कुछ मीठा कुछ नमकीन में आज आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने पहली बार आई हूँ, तो मैं बताना चाह रही हूँ मेरा जो चैनल है उसमें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ जो इजीली अवेलेबल हो, घर में आसपास इजीली मिल जाए और आसानी से बन जाए। तो चलिए इसी बात में आगे लेके चलती हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत इजी और बहुत ही यमी रेसिपी लेके आई हूँ मशरूम की। चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई मशरूम, जैसा मैंने आपको बताया। तो चलिए इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, गैस ऑन करेंगे और उसमें हम डालेंगे ऑयल। आप इट डिपेंड्स, आप क्या डालना चाहते हैं, रिफाइंड। चलिए देखिए, मैं तो मशरूम देसी घी में बनाती हूँ। अराउंड 2 टेबल स्पून इसमें हम डाल देंगे ऑयल, देसी घी। आप चाहे किसी भी ऑयल में अपनी पसंद के बनाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद इसमें डाल देंगे, हाई फ्लेम पे कर देंगे गैस को और घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। उसके बाद देखिए घी पे हम ये डाल देंगे 2 लाल मिर्चें। इसको 1 मिनट के हल्का सा, इसको पहले हम सबसे पहले मिर्चों को ऑयल में कर लेंगे। देखिए हमारी मिर्चें हल्की, देखिए आप हो गई हैं, ऑयल गर्म हो गया। ये देखिए हल्की हल्की सी एक तरीके से तल सी गई हैं इसको, अच्छा, क्योंकि इस मिर्च का फ्लेवर लाना है हमने। उसके बाद देखिए मैंने इसमें डालेंगे हम, मैंने देखिए 1 शिमला मिर्च काटी हुई है बड़ी बड़ी और 2 प्याज काटे हुए हैं मीडियम साइज के। ज़्यादा नहीं करना है हमने, एकदम मैंने अच्छे से चॉपिंग कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा करना है हमें इसको। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, ये देखिए हमने 2 पैकेट मशरूम के लिए हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। अब तो मतलब मशरूम वैसे भी श्रिंक हो जाता है। इसको अब हमें अच्छे से अराउंड 5 मिनट पे आपको कंटिन्यूसली स्टिर करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको अराउंड 5 मिनट के लिए हम इसको हिलाते रहेंगे। ये देखिए ये हमारे मशरूम हो गए हैं और शिमला मिर्च और प्याज भी जितना हमें करना था हो गया है। इस टाइम पे अब हम गैस ऑफ करेंगे और इसको सबको हम एक प्लेट में निकाल के साइड में रख देते हैं। ये मैंने सबको एक प्लेट में निकाल के रख दिया है, इसको हम साइड में रख रहे हैं। उसके बाद हम बाकी फिर मशरूम, कढ़ाई मशरूम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसीलिए मैंने पैन ऑन कर लिया है, फिर से मैं इसमें फिर ऑयल डालूंगी और फिर से 2 टेबल स्पून ऑयल डालेगा इसमें। और इसमें देखिए एक मैंने फाइनली चॉप अनियंस हैं ये मैंने डाले, एक बहुत बड़ा अनियन है तो एक डालिए, मीडियम साइज के हैं तो 2 प्याज डल जाएंगे, आप इसको डालेंगे। वो अच्छे से हमने सौते करना है, इसको भून लेना है। जब ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तब तक पहले हम इसको, चलिए हम भून लेते हैं। देखिए मैंने इसको 2 मिनट भून लिया है, ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। इस टाइम पे अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, साबुत जीरा डालेंगे इसमें, इसको भी अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे, ये देखिए मैंने डाला है अदरक, ये कच्चा अदरक अवेलेबल है इसलिए मैंने इसको महीन काट लिया है। अगर अदरक पुराना है तो आप उसको ग्रेट कर लीजिएगा या पीस लीजिएगा, क्योंकि ये कच्चा अदरक आ रहा है आजकल फ्रेश बिल्कुल, तो ये ऐसे ही गल जाएगा। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट है। और उसके बाद डालेंगे 1 ग्रीन चिली कटी हुई, को फिर अच्छे से 1 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। प्याज अभी हमें और करने हैं, हमें लाइट ब्राउन करने हैं, तो इसको चलिए हम 1 मिनट अच्छे से प्याज को और भून लेते हैं। प्याज देखिए ब्राउन होने स्टार्ट हो गए, गैस को स्लो कर देंगे। अब इसके बाद हम इसमें फटाफट डालेंगे, देखिए अराउंड 1 टीस्पून अदरक, 1 स्पून भर के धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 स्पून मिर्ची डाली मैंने और सॉल्ट टू टेस्ट है, अराउंड 1 स्पून तो डली जाएगा सॉल्ट। अब इसके बाद हम इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
गैस हमने स्लो फ्लेम पे कर दी है, ये ध्यान रखिएगा प्याज जले नहीं, बिल्कुल परफेक्ट। ये देखिए प्याज जो भुने थे मैंने बोला था ना हल्के से ब्राउन होने स्टार्ट हो जाए, तो उस टाइम पे आप मसाला डालिए और इस मसाले को ज़रूर अच्छे से भूनिएगा, कच्चा मत छोड़िएगा, क्योंकि सब्जी का टेस्ट मैं आपको बार बार बोलती हूँ, ये जो हम सूखे मसाले डालते हैं अगर ये अच्छे से भुनेंगे नहीं तो भी सब्जी का टेस्ट नहीं आता है और ना कलर आता है। ये देखिए आप ये हो गया, इस टाइम पे मैं इसमें डाल दूँगी, ये देखिए अराउंड डेढ़ कप, डेढ़ से एक से डेढ़ कप है, प्यूरी है, पतली है इसलिए मैं डेढ़ कप बोल रही हूँ। ये होममेड प्यूरी है, घर में बनी हुई है, ये देखिए इसको अच्छे से आप भून लेंगे। इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक ये साइड से थोड़ा सा ऑयल ना छोड़ने लग जाए मसाला। इस मसाले को चलिए हम अराउंड 2 मिनट तो लग ही जाएगा कम से कम, तो इसको हम भून लेते हैं, घी छोड़ना स्टार्ट कर देता है तो उसके बाद हम बाकी चीज़ें डालेंगे इसमें। देखिए मसाले ने घी छोड़ना देखिए साइड से ये स्टार्ट कर दिया है। इस समय एक चीज़ मैं आपको अपनी तरफ से बता रही हूँ, आप चाहें तो एक आपकी चॉइस है, एक स्पून शेजवान चटनी या शेजवान सॉस में से कुछ भी आप एक चीज़ डाल दीजिएगा, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कढ़ाई पनीर का मतलब ये होता है कि मसालेदार पनीर। इसमें आप ये डाल दीजिएगा, थोड़ा सा देखिएगा फिर टेस्ट में फ़र्क देखिएगा आप इसमें। देखिए हमारा ये हो गया है, मसाला लगभग भुन गया है, मसाला देखिए कोई भी आप सब्जी बना रहे हैं उसमें मसाले का बहुत बड़ा रोल होता है, अगर मसाला कच्चा रह गया अच्छे से नहीं भुना हम फटाफट सब्जी बनाए देखिए सब्जी का स्वाद नहीं आता है। तो आप सब्जी बना रहे हैं अगर प्यार से बनाइए और मसाले को अच्छे से भून के बनाइए, क्योंकि मसाला नहीं भुनेगा तो सब्जी का स्वाद नहीं आएगा बिल्कुल भी। ये देखिए मसाला हमारा लगभग तैयार हो गया है बिल्कुल समय, ये देखें मसाला बिल्कुल भुन गया है, देखिए साइड से घी अच्छे से छोड़ दिया है। इस टाइम पे आपने डालना है तो थोड़ी सी मैं आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दी, वैसे तो कलर तो काफ़ी अच्छा आ ही गया आप देख ही रहे हैं, थोड़ी सी मैं कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी। गैस स्लो फ्लेम पे रखेंगे, इस समय मसाला भून लिया हमने अच्छे से, अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने मशरूम प्याज और शिमला मिर्च हमने ये रखे थे, देखिए इसमें थोड़ा सा पानी भी आ जाता है क्योंकि हम मशरूम को धोते हैं ना तो उसमें पानी भर जाता है। जनरली कहते हैं आप अवॉइड करिए मशरूम को धोइए मत, कपड़े से पोंछ लीजिए, पर मेरे को सेंसिबल नहीं लगता क्योंकि इतने प्रिजर्वेटिव्स लगाए जाते हैं इसमें, हम ये भी डाल देते हैं, हमें ग्रेवी तो थोड़ी करनी है, तो वो लगता है कि अगर हम कपड़े से कर रहे हैं लोग कहते हैं आटे से कर लो, फिर वो बात नहीं आती, तो मैं तो मशरूम खैर धोती हूँ। अब इसको देखिए ये सब डाल दिया, अब हमने इसको भी अच्छे से भूनना है। वैसे तो हमारी वेजिटेबल्स मशरूम भी हो चुका है लगभग 70-80% कुक हो चुका है जो हमने फ्राई किया था। इसको देखिए हम 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे, अगर आप बगल में खड़े हैं तो हाई फ्लेम पे भी कर सकते हैं, पर इसको स्टिर करते रहिएगा कि ये जले ना, नीचे से लगे ना। ये देखिए अब इसके बाद 2 मिनट अब जैसे साथ साथ भून रहा है, इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे अराउंड 1 टीस्पून गरम मसाला, वो तो देखिए सब्जियों की जान होती है, कढ़ाई पनीर की तो वैसे भी जान है, अगर इसमें गरम मसाला नहीं डाला तो कढ़ाई पनीर का तो मज़ा ही नहीं आएगा। और मैंने गरम मसाला भी घर का बुना हुआ ही यूज़ किया है, मैं गरम मसाला भी घर ही बनाती हूँ, एक दिन मैं उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी आपसे। ये देखिए हमारा हो गया, अब इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे ये देखिए कसूरी मेथी, इसके इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी और इसको अच्छे से 1 मिनट फिर भून लेंगे। ये देखिए आपको शक्ल देख के तो लग ही रहा होगा सब्जी की कि क्या यम कढ़ाई पनीर बना है। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चॉप ग्रीन कोरिएंडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप बचिए एक चीज़ डालना, चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ, का लास्ट इंग्रेडिएंट बचा है फ्रेश क्रीम, पर आप भागिए नहीं, अगर फ्रेश क्रीम घर में नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं इसको इसका अल्टरनेट भी बताती हूँ क्योंकि मैं भी वही यूज़ कर रही हूँ आज। मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच फ्रेश मलाई,
बिल्कुल ताजी जमी हुई मलाई है, इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद इसको डाल दीजिए। अब इसको बस लास्ट स्टेप था ये। अब इसको हमने हाई फ्लेम पे एक मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। आप क्रीम डालना चाहते हैं तो आप क्रीम डालिए, ऑप्शनल है, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसमें मलाई डालिए, एक चम्मच फ्रेश मलाई, पुरानी मत डालिएगा पर फ्रेश निकली हुई मलाई डालिए, वो पतली पतली होती है। ऊपर से देखिए मैंने डाली, बिल्कुल पतली थी, आज की ही मलाई डाली है मैंने। ये देखिए हमारा कढ़ाई पनीर बिल्कुल रेडी हो गया है। बस मैं इसको दो मिनट की मलाई अच्छे से इसमें वो हो जाए। चलिए अब हमारा ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। इसको लच्छा पराठा के साथ खाइए, नान के साथ खाइए, जैसे भी खाइए मज़ा आ जाएगा। इसकी आपको शक्ल देख के ही लग रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको अब हम इसकी प्लेटिंग कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स मेरे कढ़ाई मशरूम बिल्कुल रेडी हो गए, आप देख रहे होंगे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कि आपके कैसे बने। अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी ये वीडियो तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना फ्रेंड्स, तो फटाफट सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।